हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोग बीच आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो में। शुरुआत करते हैं, आइए ये सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को घोषित किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस दिया है। अनिल मसीह पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी उम्मीदवार को मिले 8 वोटों के साथ छेड़छाड़ की थी। मसीह को इस नोटिस का 3 हफ्तों के अंदर जवाब देना है। आम आदमी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। कुलदीप कुमार ने इसे चंडीगढ़ के लोगों की जीत कहा है। इसके पहले सोमवार को कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सारे बैलेट पेपर पेश किए जाएं। कोर्ट ने वीडियो भी मंगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया है। 30 जनवरी को मतगणना में वो हार गए थे। इसी के बाद उन्होंने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासाद ने अदालत के बाहर आने के बाद पत्रकारों को बताया प्रेजाइडिंग ऑफिसर को झूठ बोलने के मामले में नोटिस दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के लिए उन पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कोर्ट कर्तव्य से बंधी है, खासकर आर्टिकल 142 में लिखित ड्यूटी जिसमें पूरा न्याय करने की बात कही गई है। चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया को छल से नाकाम नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि रिजल्ट शीट से जाहिर है कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले, 8 वोटों को अवैध बताया गया। ऐसा गलत तरीके से किया गया। अवैध वोट में से हर एक वैध तरीके से याचिकाकर्ता के पक्ष में डाला गया था। उन्होंने कहा हमारी राय है कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से अलग कर देना सही नहीं होगा, जबकि इकलौती कमजोरी उस चरण में मिली जब पीठासीन अधिकारी ने वोटों की गिनती की। पूरी प्रक्रिया को परे कर देना मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों की क्षति में इजाफा करना होगा। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के प्रमुख सनी अहलूवालिया ने अदालत के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सारे घटनाक्रम के पीछे कोई और निर्माता निर्देशक है या नहीं, या किसने फंडिंग की थी, ये सब जांच का विषय है। इस मामले में जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उन्हें सजा जरूर होगी। एक बात तो साफ हो गई है कि डेमोक्रेसी इस देश में अब भी जिंदा है। वहीं चुनाव में विजेता घोषित किए गए कुलदीप कुमार ने भी फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, मैं माननीय अदालत का धन्यवाद करता हूँ, आज चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, उसे बिल्कुल हरा सकते हैं। अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो इन्हें हर जगह हराएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पीटासीन अधिकारी की ओर से खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है, इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई, ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर को जीता हुआ घोषित किया गया था। इस नतीजे पर सवाल इसलिए खड़े हुए कि संख्या बल इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ था। चंडीगढ़ नगर निगमों में कुल 35 वोट है। 30 जनवरी को चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार को 16 और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। पीटासीन अधिकारी ने 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। 30 जनवरी तक चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, एक सांसद और शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद को मिलाकर उसके पास कुल 16 वोट थे। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में कुल 20 वोट थे। तब तक आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद थे। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जो वीडियो सामने आए हैं उनमें दिखा कि पीटासीन अधिकारी मतपत्रों पर कुछ लिख रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि पीटासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए जिन्हें बाद में अमान्य करार दिया गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटासीन अधिकारी अनिल मसीह से सवाल पूछे। विपक्षी दलों ने चुनाव नतीजे के विरोध में पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्षद को मेयर बना दिया, लेकिन संख्या बल में बीजेपी आगे, अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। इसे इंडिया ब्लॉक की पार्टियों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने चुनाव में अमान्य घोषित किए गए 8 वोटों को वैध करार दे दिया। इन अमान्य करार दिए गए वोटों की वजह से ही कुलदीप कुमार चुनाव हार गए थे। शीर्ष अदालत ने चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को की जीत को रद्द कर दिया है। इससे पहले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मनोज सोनकर को विजयी घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के इस फैसले से पहले सोनकर ने मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बीबीसी लीगल संवाददाता उमंग पोद्दार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह को सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भेजा जाए। धारा अदालत के सामने झूठी गवाही से संबंधित है। आरोप साबित होने पर इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा, सत्ता परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि पूरी प्रक्रिया ही पूरी तरह तमाशा थी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त काम किया है जिसकी हम सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं। कहते हैं उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की और उन्होंने ये काम साहसिक और दृढ़ तरीके से किया है ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है या हुई थी उसे रोका जा सके। अगर दोबारा चुनाव होता तो क्या होता। पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा, यह आदेश इतना अच्छा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं। उन्होंने हर संभव बदमाशी करने की जो कोशिश की गई थी उसे पहचाना और उसे पलटा। कुरैशी कहते हैं कि देरी की वजह से 3 डिफेक्शन भी हो गए थे। अगर दोबारा चुनाव भी होते तो नतीजे दूसरे घोषित हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हॉर्स ट्रेडिंग को भी पहचाना और उसे उन्होंने रोकने के लिए कहा कि जो असली वोट थे वही गिने जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे कम फैसले देखने में आते हैं। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के वकील मुकुल रोहतगी ने बीबीसी से कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, अदालत के आदेश का पालन होना चाहिए। हमने इस फैसले पर भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर और अनिल मसीह से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। चंडीगढ़ में पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मेयर अरुण सूद ने बीबीसी से कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल यह है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, दूसरी तरफ बहुमत वाली पार्टी यानी बीजेपी विपक्ष में है। दस सदस्यों वाली आप और 7 सदस्यों वाली कांग्रेस पार्टी वो नेतृत्व कर रही है, वो बिना बीज भाजपा की सहमति के कैसे काम करेंगे। हमारे पास संख्या है, हम फैसला करेंगे लेकिन हमारा मेयर नहीं है। अब आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगे क्या होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे। चंडीगढ़ नगर निगम के हाउस में कुल 35 मत हैं। एक मत चंडीगढ़ के लोकसभा सदस्य का होता है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद आप कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 17-17 हो गई है। लेकिन बीजेपी के पास एक और अतिरिक्त वोट चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सलामत रहेगा। जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास 20 मत थे और भाजपा के पास लोकसभा सदस्य को मिलाकर 16 मत थे। इस चुनाव में भाजपा को 16 मत मिलने से विजेता करार दे दिया गया था और आम आदमी पार्टी के 8 मतों को रद्द कर दिया गया था। उन्हें अब योग्य ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आपके कुलदीप कुमार को विजेता मेयर करार दिया है, लेकिन इसके बाद 3 आप सदस्यों के भाजपा में जाने से आप अल्पमत में चली गई हैं। क्या भाजपा सदन में अविश्वास का प्रस्ताव लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट सकती है। ये सवाल बीबीसी पंजाबी ने चंडीगढ़ के पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा और आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ मामलों के इंचार्ज AS अहलूवालिया से किया था। प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि नगर निगम में फ्लो टेस्ट नहीं होता। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसके पास 2/3 का समर्थन होना चाहिए जो इस समय भाजपा के पास नहीं है। वो कहते हैं कि भाजपा का अविश्वास प्रस्ताव तभी आ सकता है अगर कांग्रेस वोटिंग में हिस्सा ना ले, जो कि अभी नहीं दिखता। 2/3 के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जीतने वाले के पक्ष को 24 मतों की जरूरत होगी। अहलूवालिया ने कहा है कि कांग्रेस और आप पूरी तरह से एकमत हैं, वो पूरे जोश के साथ भाजपा से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए दोनों पार्टियों की चंडीगढ़ में बैठक हो रही है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और आपके मेयर का सीट से कोई भी खतरा नहीं है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक उन्हें याद नहीं आता कि इससे पहले कभी किसी प्रेसाइडिंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया हो और इस तरह की बातें सुनाई गई हों। वो कहते हैं कि शायद ये पहली बार हो और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। उस हिसाब से ये एक ऐसा फैसला है जिसकी आज बहुत ज़रूरत थी ऐसे वक्त पर जब कई स्तरों पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं ऐसे आरोप तो पहले लगे हैं लेकिन मुझे तो याद नहीं आता कि कभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर लताड़ा हो। 4-5 साल पहले हरियाणा विधानसभा में जब राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा था तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर जो विधानसभा के सचिव थे उन्होंने ऐसा काम किया था। चुनाव में इस तरह की हेराफेरी की गई थी। मुझे नहीं पता कि वो मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में कहाँ पर है लेकिन उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर बड़ा सवाल लगा था। सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के साथ। नयनवाणी रेडियो 90.4 MHz पर। थैंक यू सो मच।